Hello students, welcome back to chapter 13, Fields and Fences. Now open page number 116 in your textbook. Isme hame kuch questions diye hain that we will solve. See. Question 5a, how many small squares of size 1 cm are there in this big green square? To dekho, hame niche ek bada sa green color ka square diya hai. Uske andar 1 cm ke chote chote aur bhi squares hain, wo sare hame count karne hain. तो देखो एक का आंसर क्या लिखा है अबाउट 36 स्मॉल स्क्वायर्स ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर आर देयर इन दिस बिग ग्रीन स्क्वायर. जब हम छोटे-छोटे स्क्वायर्स काउंट करेंगे तो वो कितने होंगे 36 स्क्वायर्स होंगे. ओके अब बी का क्वेश्चन क्या है कैन यू थिंक ऑफ अ फास्टर वे टू नो द टोटल नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर्स विदाउट काउंटिंग ईच. अब हमसे पूछा है कि क्या आप फास्ट तरीका बता सकते हो उनको एक-एक काउंट नहीं करके आप डायरेक्टली आप बताओ. तो देखो उसके आंसर में बी में वी नो दैट 6 स्मॉल स्क्वायर्स आर प्रेजेंट एट द साइड्स ऑफ द बिग स्क्वायर. हमको पता है कि उसकी साइड्स में कितने छोटे-छोटे स्क्वायर्स हैं 6 हैं. ओके तो हम क्या करेंगे 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. टोटल नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर इक्वल्स टू 6 * 6 क्या हो जाएगा 36. ऐसे भी हम काउंट कर सकते हैं. ओके उसी के नीचे एक और क्वेश्चन दिया है गेस हाउ मेनी स्क्वायर्स ऑफ 1 सेंटीमीटर कैन फिल दिस ब्लू रेक्टेंगल. अब हमें नीचे एक रेक्टेंगल दिया है उसमें हमें बताना है कि कितने छोटे-छोटे स्क्वायर्स 1 सेंटीमीटर के इस रेक्टेंगल को फिल कर सकते हैं जैसे बने हुए ना वैसे. राइट योर गेस हियर चेक योर गेस बाय फिलिंग इट विद स्मॉल स्क्वायर्स. आपको पहले गेस करना है और फिर फिल करके देखना है कि वो सही है. ओके सी आंसर हियर 32 स्मॉल स्क्वायर्स कैन फिल दिस ब्लू रेक्टेंगल. 32 स्क्वायर्स जो है उस रेक्टेंगल को फिल कर सकते हैं. ओके और इस तरह से फिल करना है टेक्स्ट बुक में देयर आर 32 स्क्वायर्स एंड माय गेस्ड आंसर इज राइट. ओके पहले हमने गेस किया कि 32 फिल करेंगे और फिर जब हमने ड्रॉ करके देखा तो वो 32 ही थे. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 7 लुक एट द पिक्चर कैन यू डिवाइड इट इनटू 4 इक्वल पीसेस ईच पीस शुड हैव द सेम नंबर ऑफ स्क्वायर्स. अब हमको नीचे एक पिक्चर दिया है उसको हमें 4 पीसेस में डिवाइड करना है और वो चारों पीसेस जो हैं वो इक्वल होने चाहिए. ओके तो देखो इसका आंसर यस वी कैन डिवाइड द पिक्चर इनटू 4 इक्वल पीसेस. नीचे जो 4 पिक्चर्स दी गई है इस तरह से हम इनको 4 इक्वल पीसेस में डिवाइड कर सकते हैं. ओके नाउ ओपन पेज नंबर 161 इन योर टेक्स्ट बुक. इसमें हमें एक पजल दिया है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया है. सी पजल अ हाउस एंड द वेल. राघवन हैज अ पीस ऑफ लैंड. There are 4 houses on his land and in the middle there is a well. Raghavan ke paas 4 ghar hai aur beech mein ek kua hai charo ghar ke. He wants to divide this land equally among his 4 children. Aur uske 4 bacche hain wo charo ko land jo hai wo equally divide karna chahta hai. Each should get 1 house and be able to use the well without entering others land. वो इस तरह से सबको घर देना चाहता है कि सबको जो है वो वेल का यूज करने मिले जो बीच में कुआं है उसका यूज करने मिले और एक दूसरे के घर में एंटर किए बिना ही वो वेल का यूज कर पाए. कैन यू हेल्प हिम डिवाइड द लैंड. क्या आप उसकी मदद कर सकते हो. गिव डिफरेंट कलर्स टू ईच वंस शेयर. उसके लिए हमें अलग-अलग कलर्स करने हैं. सी इस तरह से पहले मैं ग्रीन कलर किया है उसमें एक घर है और वेल भी है. उसके बाद येलो कलर वाले देखो उसमें भी एक घर है और वेल का रास्ता भी है डायरेक्ट. उसके बाद ग्रे कलर उसमें भी एक घर है और डायरेक्टली वेल का रास्ता है. एंड ब्लू कलर वाला देखो उसमें भी एक घर है और डायरेक्टली वेल का रास्ता भी है. ओके तो इस तरह से हमें अलग-अलग कलर्स करने हैं ताकि हम बता पाए कि हर एक घर से वेल का रास्ता निकलेगा. ओके तो सबको वेल का पानी मिलेगा. ओके